हेलो वन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छू, के हाल, जय श्री कृष्णा, जय नीरेंद्र। मैं उच्चताल पटेल, आपके अपने चाना स्टूडेंट कभी पर, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कॉलेजेस इन केरला। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड है डिजाइनिंग में या डिजाइनिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है केरला में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले गाइज, मैं आपको बता दूँ कि बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड। लाइक आप बैचलर डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। मतलब लाइक तीनों में से कोई एक आप परस्यू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम की, तो गाइस ये जो प्रोग्राम होता है ये 4 इयर्स के ड्यूरेशन का होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी की, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कोर्सेज की, तो बैचलर ऑफ डिग्री कोर्सेज में आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्स अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑफर्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बैचलर ऑफ ग्राफिक डिजाइन में जा सकते हैं, आप बैचलर ऑफ टेक्सटाइल इसमें जा सकते हैं, फिर आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर हम जाए तो ग्लास डिजाइनिंग, सिरेमिक डिजाइनिंग एंड सो ऑन। तो मतलब आप बहुत सारे डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो वो है आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, MGU, जो कि सिचुएटेड है कोट्टायम में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली कोट्टायम में सिचुएटेड है। अगर आप चाह रहे हैं वहां पर जाकर एडमिशन लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अगर सेकंड कॉलेज की मैं बात करूं गाइस, तो वो है आपका कालीकट यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट नेम में CU कहेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी आपकी कालीकट में सिचुएटेड है, अगर आप जाना चाहते हैं कालीकट, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ गाइस, बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके एडमिशन जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं मेरिट बेसिस पे, कुछ जो कॉलेज होते हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो गाइस, ये एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको है कंफ्यूजन और आप करना चाहते हैं अपना प्रोफाइल एनालिसिस, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना ना भूलिएगा, ताकि आप आपका प्रोफाइल एनालिसिस कर सके। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगी, तो वो है आपका सेंट थेरेसा कॉलेज, जो कि सिचुएटेड है एर्नाकुलम में। तो ये जो कॉलेज है बेसिकली एर्नाकुलम में सिचुएटेड है, तो आपके लिए एर्नाकुलम के लिए भी ऑप्शंस इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगा गाइस, तो वो है आपका अजम्पशन कॉलेज, जो कि सिचुएटेड है कोट्टायम में। तो कोट्टायम के लिए भी आपके पास कॉलेज इंक्रीज हो गए हैं। मतलब किसी एक या दो कॉलेज पे आके रुकने की जरूरत नहीं है, आपको एनालिसिस करने के लिए और भी कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगी, तो वो है हमारा CMS कॉलेज, जो कि सिचुएटेड है कोट्टायम में। ये कॉलेज अगेन कोट्टायम में सिचुएटेड है। तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोफाइल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है गाइज। इसी के साथ अगर मैं लास्ट कॉलेज की बात करूंगी, तो वो है हमारा सेंट जेवियर कॉलेज फॉर वुमेन्स अलुआ। ये जो कॉलेज है बेसिकली अलुआ में सिचुएटेड है। ये जो सेंट जेवियर कॉलेज है, ये ओनली फॉर वुमेन्स है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है सेंट जेवियर कॉलेज फॉर वुमेन्स। तो वुमेन्स इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकती है गाइस। इसी के साथ साथ इन कॉलेजेस के कैंपस भी बहुत अमेजिंग है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये थे हमारे टॉप बैचलर डिजाइनिंग कॉलेजेस इन केरला गाइस। साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल And do not forget to like, share, and subscribe.